नमस्कार, मैं शिवालिक पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य आज यहाँ के क्षेत्रवासियों को बताना चाहती हूँ कि शिवालिक पब्लिक स्कूल में क्या क्या सुविधाएं आपके बच्चों को मिल रही हैं और शिवालिक पब्लिक स्कूल को स्थापित करने का उद्देश्य क्या रहा। सन 2001 में शिवालिक पब्लिक स्कूल की स्थापना हुई, 101 बच्चों के साथ यह विद्यालय प्रारंभ हुआ और आज इस विद्यालय ने इस क्षेत्र में अपना विशेष स्थान प्राप्त किया है। हमारे विद्यालय में 2008 में 10वीं की CBSE से मान्यता प्राप्त हुई और 2010 में 12वीं की CBSE से मान्यता प्राप्त हुई और आज तक लगभग 13 बैच हमारे बच्चों के निकल चुके हैं जिन्होंने यहाँ से 12वीं कक्षा की है और यहाँ से जाने के बाद बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम कर रहे हैं। अनेक उच्च संस्थानों में वो नौकरियाँ कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर बनकर देश में सेवाएँ दे रहे हैं, कुछ बच्चे आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं। हमारा विद्यालय का केवल उद्देश्य है कि शिक्षा केवल डिग्रियों में सीमित ना रहे, शिक्षा केवल आपके सर्टिफिकेट से ना परिलक्षित हो, शिक्षा आपकी आपके बिहेवियर में नज़र आनी चाहिए। इसलिए उत्तम संस्कारों की तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और बच्चे के बिहेवियर से ही उसकी शिक्षा परिलक्षित हो, ये हमारा उद्देश्य रहता है। 10वीं और 12वीं के बच्चे जब यहाँ से 12वीं करने के बाद जब यहाँ से निकलते हैं तो उन्हें विभिन्न संस्थानों में दाखिले के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती क्योंकि बच्चों का सर्वांगीण विकास यहाँ पर किया जाता है। इस विकास के लिए साल भर में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने का काम करते हैं। इसमें बच्चे की कलाओं को निखारा जाता है, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, इसके जीके क्विज कंपटीशन और एनुअल डेज में जो बच्चों के डांस कंपटीशंस हैं, जो और बहुत तरह की गतिविधियां यहां पर साल भर में करवाई जाती हैं और सारे जितने भी हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए त्यौहार हैं वो सब बच्चे यहां पर मिलकर एक दूसरे के साथ मनाते हैं। और इस इन त्यौहारों को मनाने के समय बच्चा एक दूसरे से बहुत कुछ सीखता है और उसी सीखने की प्रक्रिया से ही बच्चे के चरित्र का निर्माण होता है। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि हमारे विद्यालय से पढ़े हुए छात्र विभिन्न संस्थानों में उत्तम स्थान प्राप्त करके नाम रोशन कर रहे हैं और वो जब मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं तो एक गर्व की अनुभूति होती है कि हाँ, कुछ तो अच्छा हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में किया है जिसको बच्चे भी ओबलाइज करते हैं। हमारे ना केवल बच्चे संतुष्ट हैं जो यहाँ से जाने के बाद हमारे टच में रहते हैं, बल्कि अभिभावक भी एक संतुष्ट अभिभावक के तौर पर यहाँ हमारे को बच्चे को सौंपकर निश्चिंत हो जाते हैं कि बच्चा एक अच्छी जगह पहुँच गया है। आज के युग में जब बच्चों का चरित्र निर्माण सबसे बड़ी चुनौती बन गया है और बहुत सारी जगह सुनने में मिलता है कि बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते या डिसिप्लिन जो अनुशासन है वो कम अब बच्चों में देखने को मिलता है, हमारा फोकस उसी पर रहता है कि शिक्षा उसके बाद है, सबसे पहले बच्चे में अनुशासन होना चाहिए और उसमें सीखने की उत्सुकता होनी चाहिए। हम उनके अंदर सीखने की उत्सुकता पैदा करते हैं, समाज के साथ बच्चे को जोड़ते हैं, विभिन्न प्रकार की रैलियों में बच्चे प्रतिभाग करते हैं। जब देश ने अपना 75 वर्ष स्वतंत्रता दिवस का मनाया तब बच्चों ने पूरे क्षेत्र में रैली निकालकर लोगों को उसके लिए जागरूक किया। स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती हैं और उन कहानियों के माध्यम से उनको प्रेरित किया जाता है कि देश हमारा सर्वोपरि है। उसके बाद हमारे दूसरे काम आते हैं, दूसरी ड्यूटीज़ उसके बाद आती हैं और मुझे खुशी होती है कि हम एक ऐसे एरिया में हैं। रुड़की अपने आप में खुद ही आर्मी के लिए जाना जाता है और यहाँ के बच्चों में आर्मी में जाने की एक ललक होती है। बच्चे आर्मी में जाकर एनडीए के थ्रू एडमिशन एनडीए के थ्रू एंट्री कर रहे हैं और दूसरे बच्चे जो आर्मी में जा रहे हैं वो देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी हमारे लिए खुशी का माध्यम है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनके पिता आर्मी में रहकर सर्विस कर रहे हैं, माताएं अकेली रहकर यहाँ बच्चों को पढ़ाती हैं और जो स्ट्रगल उनके पिता सेना में जाकर वहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर माता बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रही है, उस स्ट्रगल से हम भली भांति जानते हैं और उसी को ध्यान में रखकर हम बच्चों की शिक्षा की तरफ चारों तरफ से ध्यान देते हैं कि बच्चे को एनवायरनमेंट ऐसा मिले कि जहाँ शिक्षा उत्तम हो। घर में पेरेंट्स से टाइम टू टाइम टॉक की जाती है,
मदर्स फादर जो भी हैं उनको बुलाकर पूछा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। और आज इसी कारण इस विद्यालय का नाम क्षेत्र में है और यहाँ पर अपने बच्चे को दाखिला दिलवाने में पेरेंट्स बड़े गर्व की अनुभूति महसूस करते हैं और आशा है कि आने वाले समय में विद्यालय में बच्चे जो हैं जो भी आएंगे अपने उत्तम चरित्र का उत्तम भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। इसके साथ साथ विद्यालय एक ग्रीन कैंपस पूरा है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं जो बच्चे के लिए उत्तम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। कक्षा के कमरे जो हैं खुले और हवादार हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और कंप्यूटर लैब और साइंस की लैब जो है बच्चों के लिए है। पेंटिंग की लैब अलग से है जिसमें बच्चे अपनी कला को दिखाते हैं। तो इस प्रकार से विद्यालय में बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को दी गई हैं। खेलों में बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, खेल महाकुंभ में बच्चों ने बहुत सारे मेडल जीते। हमारे बच्चे जो हैं योगा में देहरादून और पतंजलि में गए, पतंजलि में दूसरी पोजीशन प्राप्त की और देहरादून में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करके आए। इसके अलावा बच्चे CBSE के द्वारा जो खेल आयोजित किए जाते हैं क्लस्टर खेलों में जाते हैं और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के मेडल जीत कर लाते हैं। तो कह सकती हूँ कि खेलों में, पढ़ाई में और विभिन्न गतिविधियों में, अपनी कलाओं के निखारने में, हर क्षेत्र में बच्चे अपनी रुचियों के अनुसार कार्य कर रहे हैं, जो एक अच्छा संकेत है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो अध्यापक हैं दिन रात बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, जो अभिभावक हैं वो टीचर्स को सहयोग करते हैं, जो सबसे बड़ी बात है क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब तक पेरेंट्स और टीचर्स में नहीं होगी तब तक एक बच्चे की ग्रोथ, जो दोनों का ही सपना होता है, टीचर्स का भी सपना होता है कि मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं अच्छी ग्रोथ करें और जो पेरेंट्स हैं उनका भी सपना होता है कि एक बच्चा मेरा एक उत्तम नागरिक बनकर, उत्तम व्यक्तित्व बनकर जो है विद्यालय से बाहर निकले। क्योंकि कहा भी गया है कि बच्चे के चरित्र का निर्माण और बच्चे के संस्कारों का निर्माण जो है जो स्कूलिंग होती है उसी समय होता है। कॉलेज में जाकर तो बच्चा जो है अपनी दिशाएं तय करता है, तो एक बच्चा एक कच्ची मिट्टी की तरह विद्यालय में आता है और टीचर्स प्यार से, डांट से, हर तरीके से उसे एक घड़कर जो है उसे पकाकर यहाँ से भेजते हैं और विभिन्न संस्थानों में बाहर जाकर बच्चा अपनी रुचि के व्यवसाय को चुनता है और अपने जीवन का निर्माण करता है। धन्यवाद।